नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेडी कैंपस में। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे रीट मेंस एग्जाम का मॉडल पेपर है एसएसटी का। उस एसएसटी के मॉडल पेपर के बारे में हम इसमें पूरा चर्चा करेंगे। पूरे 150 क्वेश्चन होंगे इसमें और इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। हमने कोशिश की है कि टॉपिक वाइज जो सिलेबस दिया गया है उसके सारे क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश की है। हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन हमने लिए हैं। कोशिश की हमने कि पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो। चलिए, आज के हमने राजस्थान के हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर, इनके टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं, वो देखिए। क्वेश्चन है पहला, किस पुरा स्थल से यूनानी शासक मेडाडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? ऑप्शन में है नगरी, बेराट, आहड़ और रेड। क्वेश्चन का सही जवाब है बेराट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तामरवती किस सभ्यता का प्राचीन नाम था? ऑप्शन में है आहड़, कालीबंगा, गिलुन, बागोर। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शासक और रियासत को मैच करना है और इसमें ऑप्शन है आपका बी। सामंत सिंह वागड़ हो गया, डूंगर सिंह डूंगरपुर हो गया, जगमाल बांसवाड़ा हो गया और प्रताप सिंह प्रतापगढ़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है? ऑप्शन एक में है मदन सिंह, ऑप्शन दो में मुकुंद सिंह, ऑप्शन तीन में माधो सिंह, ऑप्शन चार में जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह। इस क्वेश्चन का सही जवाब है झाला जालिम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांच नंबर, राजपूताना में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज सर्वप्रथम किस छावनी से हुआ था? एरिनपुरा, नसीराबाद, आउवा, अजमेर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है नसीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर छह, राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में अचलगढ़ दुर्ग, गागरौन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। सात नंबर क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राग बाघ सिंह का स्मारक कहां बना हुआ है? सूरज पोल पर, राम पोल के सामने, प्रथम दरवाजे पाडन पोल के पास में, भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रथम दरवाजे पाडन पोल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय का बाग पैलेस का निर्माण किस महाराजा द्वारा करवाया गया था? महाराजा उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा भीम सिंह और महाराजा जोधा सिंह। इस क्वेश्चन का सही जवाब है महाराजा जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल महल असंगत छाटना है, जल महल कहाँ है? जयपुर में। आमेर के महल यानी दीवाने आम कहाँ है? जयपुर में। एकथम्बिया महल कहाँ है? जयपुर में। सामोद महल कहाँ है? ये ऑप्शन में बीकानेर दे रखा है, इसका आंसर गलत है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा घर आंगन में बनाए जाने वाले ज्यामितीय अलंकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में है मांडने, थापा, महावर, सांझी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है मांडने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 11 नंबर, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? बूंदी शैली की, मारवाड़ शैली की, मेवाड़ शैली की और बीकानेर शैली की। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बीकानेर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 12 नंबर, कादर बख्श का संबंध किस कला से है? ऑप्शन में है उस्ता कला से, ऑप्शन दो में थेवा कला से, ऑप्शन तीन में पीतल पर नकाशी से, ऑप्शन चार में काष्ठ पर नकाशी से। इस क्वेश्चन का सही जवाब है उस्ता कला से। नेक्स्ट आपका, 13 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण यानी राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? ऑप्शन एक में उदयपुर, ऑप्शन दो में जयपुर, ऑप्शन तीन में कोटा, ऑप्शन चार में अलवर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला राजस्थानी शासक कौन था? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा लक्ष्मण सिंह और महाराजा मान सिंह द्वितीय। इस क्वेश्चन का सही जवाब है महाराजा गंगा सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर, जाखड़ समाज के इष्ट देवता कौन से लोक देवता है? बिग्गा जी, तेजा जी, बनराज जी और मामदेव जी। इस क्वेश्चन के सही जवाब है बिग्गा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रियसन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया? चार, पांच, छह और सात। इस क्वेश्चन का सही जवाब है पांच प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाला झालारी कुंडलिया के लेखक कौन है? जयनाक, जय गुरुदेव, जयदेव सॉरी, ईश्वरदास, केसरी सिंह। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ईश्वरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादूदयाल, सुंदरदास, जगन्नाथ चरणदास। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दादूदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है? मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ोती और निमोड़ी। इस क्वेश्चन के सही जवाब है हाड़ोती। वन सेकेंड, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, शीतला माता, आवरी माता, सिकराय माता, नागनेची माता। इस क्वेश्चन का सही जवाब है नागनेची माता। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और इनसे हो गए। अब 20 क्वेश्चन लेते हैं हम राजस्थान की ज्योग्राफी से रिगार्डिंग क्वेश्चन। देखना, पूरे सिलेबस के आधार पर हमने क्वेश्चन मैनेज करने की कोशिश की है। 21 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना वर्ग मील है? ध्यान रखना, इसमें वर्ग मील पूछा है, इसलिए ऑप्शन इसका सी होगा, 132,140 वर्ग मील। सर्वप्रथम राजस्थान का व्यवस्थित भूवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? इस क्वेश्चन का सही जवाब है हेरोन ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सुमेलित करो, सुमेलित करो का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, छपनिया अकाल, ये आपका हो गया 1899। सहसा वदुसा अकाल, ये आपका 1842 में। त्रिकाल अकाल 1869 में। और ये चालीसा अकाल, ये 1783 में। तो ऑप्शन बी आपका हो गया 1, 2, 3, 4, ये क्वेश्चन का सही जवाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसमें है राजसमंद भीलवाड़ा, डूंगरपुर उदयपुर, राजसमंद पाली, पाली और जालौर। क्वेश्चन का सही जवाब है डूंगरपुर और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? ऑप्शन एक में है 9.5%, ऑप्शन दो में 9.6, ऑप्शन तीन में 9.7, फिर 9.8। क्वेश्चन का सही जवाब है 9.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कागदी पिकअप बांध किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी, बेड़च नदी, कोठारी और माही नदी। क्वेश्चन का सही जवाब है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का स्मारक किस झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन में है उदय सागर, ऑप्शन दो में पिछोला, ऑप्शन तीन में फतेह सागर, ऑप्शन चार में जय समंद। इस क्वेश्चन का सही जवाब है फतेह सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेठा बांध किस जिले में स्थित है? उदयपुर, करौली, भरतपुर और जोधपुर। इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 नंबर, राजस्थान में जौ का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन में जयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा और अजमेर। जौ का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर। 31 नंबर, राजस्थान में दूसरा आणविक ऊर्जा संयंत्र कहां प्रस्तावित है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। क्वेश्चन का सही जवाब है बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 921, 926, 933, 941। क्वेश्चन का सही जवाब है 933। ईश्वरदा बांध किस नदी पर बना हुआ है? चंबल, कालीसिंध, बनास और मीनाल। क्वेश्चन का सही जवाब है बनास नदी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 34 नंबर, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसमें है 11, 52, 919, 8। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला 52, बिल्कुल सही है। हाँ 35 नंबर, राजसमंद का काला गुमान क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना, गारमेट, तांबड़ा, हीरा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है पन्ना। नेक्स्ट आपका 36 नंबर, राजस्थान की प्रथम निजी पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? बड़ागांव, अमरबाद, फलोदी, देवगढ़। बड़ागांव वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थार के मरुस्थल में परंपरागत जल संरक्षण का तरीका है खड़ीन, टांका, बावड़ी, तालाब। क्वेश्चन का सही जवाब है टांका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी कब लागू हुई थी? 2019, 2020, 21 और 22। क्वेश्चन का सही जवाब है 2021। नेक्स्ट 39 नंबर, तालछापर की तर्ज पर किस जिले में चिंकारा अभयारण्य बनेगा? जोधपुर, बीकानेर, नागौर और झुंझुनू। क्वेश्चन का सही जवाब है झुंझुनू। नेक्स्ट आपका 40 नंबर, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर क्या पहनते हैं? कछाऊ, पगड़ी, पोत्या और पितोछा। सही क्वेश्चन का जवाब है पोत्या। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न, जिसमें हमने कुल 7 प्रश्न इसमें इंक्लूड किए हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा क्षेत्र तोरावटी है? तो ये शेखावाटी का क्षेत्र आता है तोरावटी में। नेक्स्ट आपका, कोंकण तीर्थ स्थान कहाँ है? तो ये है आपका पुष्कर, अजमेर में। 44 नंबर, जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये देता है संभागीय आयुक्त को। नेक्स्ट आपका, ग्राम सभा का राजनीतिक प्रमुख होता है सरपंच और प्रशासनिक प्रमुख होता है ग्राम सचिव। तो ये आपका ऑप्शन होता है फर्स्ट आपका आंसर। 46 नंबर, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के बारे में क्या असत्य है? ये योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है, बिल्कुल सही है। इस योजना का प्रारंभ 29 नवंबर 2022 को हुआ था, ये भी सही है। ये योजना कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए है, ये भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त तीनों सही है। 47 नंबर, राजस्थान का पहला जनता क्लिनिक किस शहर में चालू किया गया था? ये उदयपुर, कोटा, जयपुर और जोधपुर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है जयपुर। अब आते हैं शैक्षणिक परिदृश्य के, कुल 6 क्वेश्चन हमने यहां लिए हैं। और क्वेश्चन है आपका 48, ISQE का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ऑप्शन सी। स्माइल कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? इसके लिए ऑप्शन है 13 अप्रैल 2020, 21 जून 2020, 2 नवंबर 2020, 21 जून 2021। तो क्वेश्चन का सही जवाब है 13 अप्रैल 2020। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का संबंध किस कक्षा से है? इसमें है कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 1 से 10, कक्षा 1 से 12। बिल्कुल कक्षा 1 से 12 तक। क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालय प्रबंधन की कार्यकारिणी में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 9, 1, 2 और 11। क्वेश्चन का सही जवाब है 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फाउंडेशन स्टेज के बच्चों की आयु क्या है? और इसके लिए आपका ऑप्शन है, फाउंडेशन स्टेज में 3 से लेकर 8 साल के बच्चे आते हैं। यहां 3 से 8 साल बोल कर दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं? जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब आते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित कुल 6 प्रश्नों पे बात करेंगे। यहाँ पे RTE एक्ट 2009 की किस धारा के तहत ये प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य में अपने यहाँ शिक्षा के अधिकार के संबंध में नियम बनाना है? ये है आपका धारा 38 लास्ट।
55 नंबर क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 में धारा 9 से लेकर 15 तक किस संबंध में है, और यह है विद्यालय एवं उनके अध्यापकों के दायित्व से संबंधित। तो ये क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो गया। 56 नंबर है, निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में कक्षा एक में प्रवेश के समय बालक की आयु निर्धारित है, इसमें है न्यूनतम 5 वर्ष, अधिकतम 9 वर्ष, 5 से 7 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, 5 से 7 वर्ष। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण के लिए किस हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की गई है, यह है आपका 1098। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही जाता है। 58 नंबर, शिक्षकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र में गठित ब्लॉक स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, इसमें होंगे ब्लॉक शिक्षा, ब्लॉक विकास अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, आरटी एक्ट 2009 की धारा 12 के अनुसार बीपीएल परिवार के 25% सीटें आरक्षित होगी, और इनमें से वह परिवार शामिल किया जाएगा जिसकी वार्षिक आय अब कितनी होनी चाहिए, 1 लाख से कम, 2 लाख रुपए से कम, 2.5 लाख रुपए से कम, इनमें से कोई नहीं, 2.5 लाख रुपए से कम, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब हमने सामयिक जो विषय हैं करंट पर उनके भी क्वेश्चन लिए हैं, कुल 6 क्वेश्चन। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान मेनारी चौपाल की शुरुआत कहाँ से हुई है, देशनोक बीकानेर में, रामपुरा जयपुर में, राजगढ़ जय अलवर में, और राजगढ़ चूरू में। इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजगढ़ अलवर में। हमने कुल मिला के यहाँ पे 5 टेस्ट सीरीज ली है, और वो पांचों के पांचों टेस्ट सीरीज गुरुकुल धाम ऐप पर डाउनलोड है, आप वहां से टेस्ट सीरीज दे सकते हैं यदि आपके पास टाइम है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे बात करते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के कक्षाओं को कैरियर मार्गदर्शन के लिए देश का पहला पोर्टल शुरू किया, वह पोर्टल कौन सा है, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से किस शहर को 7 अजूबों में का उद्घाटन किया है, और इसका है ऑप्शन डी अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 2 पदक जीते हैं, अवनी लेखरा, मोनिका जाखड़, वेदिका अरोड़ा और सीमा कपूर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है मोनिका जाखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस उस्त कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है, पवन जांगिड़, देवदत्त जांगिड़, और आपका शौकत उस्ता, रमीज उस्ता, शौकत उस्ता। क्वेश्चन में 65 नंबर, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के निर्माण की स्वीकृति मिली है, और यह है ऑप्शन आपका जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर और जयपुर। क्वेश्चन का सही जवाब है जैसलमेर। 65 के बाद अब हम बात करेंगे एसएसटी के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पे। सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को हमने 4 भागों में बांटा है, जिसमें ज्योग्राफी के हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं, हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन लिए हैं, और पॉलिटी के आपके 15 क्वेश्चन लिए हैं, और इकोनॉमिक्स के भी 15 क्वेश्चन लिए हैं। इस प्रकार से टोटल हमने 60 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं इसके। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे 66 नंबर, पृथ्वी अपनी सतह पर कितने डिग्री का सतह से कोण बनाती है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब है 66.5 डिग्री। देखिए सतह से बात करते हैं तो ये वाली स्थिति से जो झुकाव है उनके कोण को देखा जाता है, तो झुकाव तो आपका यही तो है 23.5 डिग्री का, तो ये कोण बनाती है। ठीक है, 66.5 डिग्री का। 67, वायुमंडल का भार कितना है, और इसका ऑप्शन है सी सही जवाब। नेक्स्ट, वायु का सर्वाधिक दाब कहां होता है, और यह होता है सागर के तल पर। रोडोडेंड्रॉन के वृक्ष कहां पाए जाते हैं, और ये एक शंकुधारी वृक्ष है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर सूर्य के कितने गुना तक होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब यहां से होगा ऑप्शन बी आपका 2.17 गुना। नेक्स्ट हो गया, ग्लोब का वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है ये कौन सा है, ये प्रदीप्ति वृत्त होता है। नेक्स्ट,
वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सर्वाधिक गैस कौन सी है? ये होती है आर्गन। फिजेंट मोनाल जैसे पक्षी किस वन में पाए जाते हैं? इसका शीतोष्ण पर्णपाती वन, सही ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक तिथि दिवस रेखा कौन सी है? ये है 180 डिग्री देशांतर। एक सौ अस्सी डिग्री पूर्वी देशांतर का कोई मतलब नहीं। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित राजस्थान की एकमात्र चीनी मिल कौन सी है? यह है आपकी केशव राय पाटन, सही जवाब ऑप्शन बी। कौन सी एक गर्म जलधारा है? और इसमें है गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, बाकी ठंडी जलधारा है। असंगत देखना है कौन सा है, टावी और श्रीलंका वाला, ये आपका असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृषि खट्टे फलों पर संबंधित है? ये है भूमध्य सागरीय कृषि, और आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग का कटोरा किसे कहा जाता है? पीट्स वर्क को कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? और ये है यूएसए। सामाजिक विज्ञान में, विज्ञान में इतिहास से संबंधित 15 क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पाशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। क्वेश्चन का सही जवाब है प्रकृति। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? यह है ऑप्शन एक उदयन। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ये ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, सिमुक, कनिष्ठ। इस क्वेश्चन का सही जवाब है अशोक। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। लोधी वंश। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों से जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह कौन सा था? ये बुंदेलों से था, राठेड़ों से था, सिसोदियों से था, कछुआओं से था। बिल्कुल कछुआओं से था। उत्तरी भारत की वह प्रथम मुस्लिम महिला शासक जिसने दिल्ली पर राज करने वाली जो पहली महिला शासक थी? नूरजहां, मुमताज, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं, रजिया सुल्तान क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट आपका 87 नंबर क्वेश्चन, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर महान, सिकंदर लोदी, सिकंदर सासूर, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? अकबर, मुहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं, मुहम्मद गोरी। नेक्स्ट आपका, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वैदिक संहिताओं में? पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में, चांदी की आहत मुद्राओं में? हड़प्पा संस्कृति इसका सही जवाब है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया लोथल में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में? इस क्वेश्चन का सही जवाब है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज, सिंधु, रावी और चेनाब। सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर भी उसे ब्रिटानी यानी ब्रिटेन कब्जे से में रखा गया? लेस डाउन, कर्जन, डफरिन, एल्गिन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है एल्गिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार। अशोक, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? कांकणी, दिनार, पर्ण, तोल। इस क्वेश्चन का सही जवाब है पर्ण। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की राजव्यवस्था यानी पॉलिटिकल के 15 क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। तो धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ है जिस देश का अपना कोई विशेष धर्म ना हो, राज्य धर्म का पालन करवाए, देश या धर्म का अपना कोई
धर्म ना हो, सरकार द्वारा धर्म का पालन करना या करवाना, बिल्कुल किसी भी देश या राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो, वही धर्म निरपेक्ष होता है। भारत प्रजातांत्रिक गणतंत्र कब बना था? यह बना था 26 जनवरी 1950। राष्ट्रपति का पद रिक्त स्थान कितने दिनों में भर जाना चाहिए? यह भर जाना चाहिए आपका 6 महीने में। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25, 30, 35 और 21। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 30 वर्ष। 100 नंबर। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया? इस क्वेश्चन का सही जवाब है मुकुट बिहारी लाल माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है भाग 4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है अनुच्छेद 143। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ये होते हैं ग्राम सभा के सभी वासी, सरपंच द्वारा मनोनीत निवासी, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत मतदाता सूची में दर्ज सभी ग्राम के निवासी। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? डाक, मुद्रा, रेलवे, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था क्वेश्चन का सही जवाब है। सुमेलित करना है आपको यहां पे ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ये 4, 3, 2, 1। तो यहां देखिए, ये आपका आंसर आएगा राजमन्नार समिति 1669, प्रशासनिक सुधार आयोग 1970, सरकारी आयोग 1983 और एम पुंछी आयोग 2007। ये क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया था? 44वें संशोधन द्वारा। देश की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन रही? इंदिरा गांधी, कमला बेनीवाल, राजकुमारी अमृत कौर, अरुणा आसफ अली। राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? ये है 1953, 1952, 56 और 65। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान की उद्देशिका को किसके उद्देश्य संकल्प से प्रेरणा मिली थी? जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति, सरदार पटेल, के एम मुंशी। जवाहरलाल नेहरू। भारत का राष्ट्रपति किस विधेयक पर स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है संविधान संशोधन विधेयक और दंड विधेयक। इस क्वेश्चन का, ये दोनों ही होते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों ही राष्ट्रपति की परमिशन से ही लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अब सामाजिक विज्ञान के अर्थव्यवस्था से संबंधित 15 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे हम 111 से। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का और निजी क्षेत्र का सह स्वामित्व होता है। 112 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद किसका मुद्रा मूल्य है? ये एक साल में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का है। क्वेश्चन का ऑप्शन सी। निम्न में से किस पद्धति द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं किया जाता? देखिए, व्यय विधि, उत्पाद विधि और आय विधि से किया जाता है, मेट्रिक विधि से नहीं किया जाता। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। जिस मुद्रा में भुगतान करने के लिए लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, वह मुद्रा विधि ग्राह्य मुद्रा होती है। गिल्ट एंड बाजार में निम्न में से किस से संबंधित है? यह है आपका सरकारी प्रतिभूतियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका भारत में मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई। भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? ये है 13 पॉइंट कुछ परसेंट, यानी लगभग 14%। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है, यह है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य व राष्ट्र स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग ने किसके सूत्र का प्रयोग किया था? यह है डीटी लक्कड़वाला के सूत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में जागरूकता का अभाव, बेरोजगारी, आय की असमानता।
आय की असमानता का कारण रहा है। निम्न में से विश्व व्यापार संघ किसका अंग है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिकी व्यापार संघ, गेट द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ। ये ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ये एडम स्मिथ आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? यह है लगभग मध्यम श्रेणी में है भारत। सो 24 में वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? राष्ट्रीय आय का सेवा क्षेत्र होता है इसमें, सर्विस सेक्टर। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है। शैक्षणिक रीति विज्ञान के 10 क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। हम यहां पे 126 नंबर, कहानी कथन विधि का दोष है ये है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कम रुचि लेते हैं, कहानी छात्रों का पूर्ण विकास नहीं कर पाती है, छात्र केवल श्रोता बनकर रह जाते हैं। सारी बातें बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। 27 नंबर, शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, ये कथन किसका है? ये कथन है बिनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक समस्या है? ये है अधिक बड़े आकार की जो कक्षा होती है वही भौतिक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी की गामक समस्या क्या है? वस्तु और आकार में अंतर नहीं कर पाना, पेंसिल सही तरीके से ना पकड़ पाना, वस्तु के रंगों में अंतर नहीं कर पाना। इस क्वेश्चन का सही जवाब है पेंसिल का सही तरीके से ना पकड़ पाना। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में नवाचार नहीं है, प्रयोगशाला एक नवाचार होता है, प्रोजेक्टर भी एक नवाचार होता है, स्थानीय पर्यटन भी एक नवाचार होता है, लेकिन पुस्तकें नवाचार में नहीं आती है। कौन सी अप्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री है? एपिस्कोप, प्रोजेक्टर और मॉडल और मैजिक लालटेन मॉडल। इस क्वेश्चन का सही जवाब 132। पूर्ण रूप से वैध एवं विश्वसनीय मूल्यांकन परीक्षा क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, उपरोक्त सभी। ऑब्जेक्टिव एग्जाम। मूल्यांकन क्या है? लक्ष्य साधे उद्देश्य साधन, साधन होता है मूल्यांकन। ऐसा परीक्षण जिसमें विद्यार्थी की कमजोरी कठिनाई का पता लगाया जा सकता है, और यह है निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक परीक्षण का आधार प्रस्तुत करता है, ये कौन सा है? मनोप्रेरित परीक्षण। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान के टोटल यहां पे 10 क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से क्या है? आत्मा, चेतना, मनुष्य, व्यवहार। इस क्वेश्चन का सही जवाब है व्यवहार। नेक्स्ट है, 6 से 8 तक के बालक निम्न में से कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? एकाकी, सामूहिक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये सामूहिक खेलों में रुचि लेते हैं इस साल के बच्चे। असत्य कथन बताना है यहां पे, जॉन डीवी संरचनात्मक, ये पार्ट आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमित्तवाद उपागम परिणाम है, ये है आपका ऑप्शन सी, जो आपका फर्स्ट और सेकंड यानी संज्ञानात्मक नात्मक मनोविज्ञान का और सामाजिक मनोविज्ञान का। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे। मेस्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? यह है आवश्यकताओं पर। नेक्स्ट, मनोविश्लेषण किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? संचेतना, अर्थ संचेतना, अचेतन, बहुचेतन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है अचेतन। नेक्स्ट, पठन सामग्री अधिगम अक्षमता है, ये कौन सी है? डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किससे संबंधित है? ये बुद्धि से संबंधित है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है? जो व्यक्ति सरलता से परेशान नहीं होता है और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। शाही धब्बा परीक्षण क्या है? आत्मनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण परीक्षण, ये सभी। बिल्कुल प्रक्षेपण परीक्षण। नेक्स्ट, यहाँ पे सूचना तकनीकी आईटी के कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, 5 क्वेश्चन। कौन सा एक विभाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? ये है आपका अदा इनपुट, ये आपका आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में नहीं आता है। कंट्रोल यूनिट आता है, एलयू आता है, सीपीयू आता है, ठीक है।
जिस कंप्यूटर द्वारा ईमेल की सुविधा प्रदान होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। निम्न में से सबसे कम मेमोरी की साइज कौन सी होती है? ये किलोबाइट होती है, इससे भी छोटी बाइट होती है जो ऑप्शन में नहीं होती है, बाइट से भी छोटी बिट होती है जो भी ऑप्शन में नहीं है। वेन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ऑप्शन एक हो जाता है सही। निम्न में से कौन सी डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस है? यहां सीपीयू, मॉनिटर, मॉनिटर, हाँ मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आज के हमारे जो 150 क्वेश्चन हमने लिए हैं रीट मैन एग्जाम एसएसटी के, ये 150 क्वेश्चन का आपने आइडिया लिया है, और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपकी किस किस चैप्टर से लिए हैं, ओवरऑल हमने पूरा का पूरा जो सिलेबस अपने राजस्थान गवर्नमेंट ने सिलेबस दिया है उस सिलेबस के हिसाब से पूरा पेपर तैयार किया है। ऐसे हमने 5 और भी पेपर तैयार किए हैं जो गुरुकुल धाम ऐप पर है, चाहे तो आप उस पे जाके वो ऐप दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल जीडी कैंपस को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।